दिल्ली के मुकरबा चौक फ्लाईओवर के नीचे जमा गंदा बदबूदार पानी लोगों के लिए बन रहा है बड़ी समस्या का कारण। हजारों की संख्या में आवाजाही करने वाले लोग हो रहे परेशान। पीडब्ल्यूडी के नाले ब्लॉक होने की वजह से सड़कों पर आया गंदा पानी मुकरबा चौक पर 24 घंटे चलता है। ट्रैफिक जाम की भी हो जाती है समस्या। सड़क पर जल भराव की वजह से हादसों का भी बना हुआ है खतरा। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त माने जाने वाले मुकरबा चौक फ्लाईओवर के नीचे इन दिनों लोगों का आना जाना दुश्वार है। वजह पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई न होना। दरअसल पिछले कई सालों से पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं है, जिसके वजह से नाले पूरी तरीके से ब्लॉक है और ओवरफ्लो होकर नाले का गंदा बदबूदार पानी मेन रोड पर आ गया। मुकरबा चौक फ्लाईओवर के नीचे मुख्य मार्ग पर गंदा काला बदबूदार पानी जमा है, जिससे लोगों का आना जाना लगभग बंद हो चुका है। यहाँ से आने जाने वाले लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और जल भराव की वजह से जाम की भी समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। इस बाबत कई बार लोगों ने शिकायत उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। मुकरबा चौक फ्लाईओवर जहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोगों की आवाजाही होती है, राजधानी दिल्ली की कैसी तस्वीर लोगों के मन में बन रही होगी, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काला गंदा नाले का पानी, जिसमें बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। ना तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है और ना ही पानी निकासी का कोई समाधान किया जाता है। इन सब समस्याओं का सीधा खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक परेशान है और जनप्रतिनिधि इस भीषण गर्मी में अपने एसी घरों में बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं। किसी को जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं, इसलिए जनता को होने वाली समस्या को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। बाईपास की बात की जाए, जहांगीरपुरी करनाल बाईपास हरजन कॉलोनी के साथ की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी से भरा हुआ है। आप देखें कि पीडब्ल्यूडी के नाला ब्लॉक है। यहाँ लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के नाला ब्लॉक इसलिए है कि मेट्रो का काम चल रहा है, उसके वजह से काफ़ी टाइम से ये समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिक्कतें हो रही है। जो आने जाने वाली बात की जाए, पैदल भी जो आदमी है वो नहीं आ जा सकते हैं, और लगातार इस मामले के कई बार शिकायत देने के बावजूद भी इस मामले का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और कई बार यहाँ के स्थानीय लोग आने जाने वाले हैं, कई बार इसमें गाड़ी भी पलट जाती है, चोट भी लग जाती है, बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे। अगर इस मामले की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बात की जाए, इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे। और मेट्रो की बात की जाए कि मेट्रो का काम करने के वजह से काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि मेट्रो का काम होने के बावजूद भी इस तरीके की समस्या हमेशा होते जा रहा, बग इस मामले को अभी तक कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। संजय सिंह, दिल्ली। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम तो मेरा संकेत हुड्डा है और हम इसी गांव के हैं। हाँ सर, आप भलसवा गांव के रहने वाले हैं। यहाँ जो समस्या है, पानी काफ़ी टाइम से भरा हुआ है, लोगों का कहना है, क्या है आपकी राय है? ये पीडब्ल्यूडी के जो नाला है, बताया जा रहा ब्लॉक है, और एक तरफ से बताया जा रहा है कि मेट्रो का काम की वजह से हो रहा है। हाँ, मेट्रो की वजह से भी हो रहा है ये, और इसकी कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है हमारे द्वारा ही, और इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है, ना कोई इस पर ध्यान देता है। जबकि गाँव का ही कौंसलर है और MLA भी हमारे एरिया के ही हैं, और उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना कोई रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। और इधर भी आप देखो ये कितना कूड़ा फैला हुआ है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है बीमारी में। पानी यहाँ इतने एक्सीडेंटल होते हैं, रात को इतनी समस्या होती है, इधर से ट्रैफिक आता है, सामने दिखाओ आप, ऊपर से मेट्रो ने ब्लॉक कर रखा है, उसके बाद भी यहाँ पर बंदे हमें एक घंटा यहाँ खड़े रहते हैं, अपने घर में घुसने के लिए हमें एक घंटा लगता है, काफ़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पे एटलीस्ट कोई तो ऐसा बताने वाला भी नहीं है, कोई ऐसा मार्क भी नहीं लगा रखा कि लोगों को ये पता हो कि सिर्फ पानी है। लोग सोचते हैं गड्ढा है, इस वजह से ट्रैफिक डेढ़ डेढ़ घंटे ट्रैफिक नहीं जाता है यहाँ पे। बाकी इसे तो पानी, चैनल के पानी, है, पानी के अंदर अभी गड्ढा है, गड्ढे में गड्ढे इतना नहीं है, गड्ढा अभी कम है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, बढ़ जाएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम जो है लिखित में रिपोर्ट दे चुके हैं, कौंसलर को भी ये बात पता है, कौंसलर डेली यहीं से जाता है गाड़ी लेके, MLA भी निकल चुका है यहाँ से, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हर चीज़ से सरकार सक्षम है और सब कुछ होते हुए आपके चैनल के माध्यम से कृपया इस रिपोर्ट को आगे तक ले जाएं। डिपार्टमेंट में PWD जिसके भी अंदर ही आता है, PWD का ऑफिस देखो ये सामने ही है, साथ में ये मस्जिद है, पीछे कब्रिस्तान है, तब भी कोई रोल नहीं है, कोई भी इसकी शिकायत आगे तक लेके जाओ ताकि सोल्यूशन निकल सके। पिछले एक साल से ऐसा है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे बारिश का मौसम आएगा और उससे ज़्यादा बुरा। सर, मोहम्मद इरफान,
इरफान जी, ये पानी लगा हुआ कब से है यहाँ लगा हुआ है? ये कर तकरीबन छः सात आठ महीने से लगा हुआ है। और ये पानी के वजह से इतना परेशानी, इतना दिक्कत है ना, कभी कभी तो वहाँ तक पानी चला जाता है, और गाड़ी जब आते हैं तो पूरे बदन के ऊपर ये पानी पहुँच जाते हैं, इतना छीटा गंदा का नाला का पानी है ये सब। पानी क्या वो जो है तो पानी यहाँ लग जाता है? ये जो है मेट्रो का काम लेकर के जो है, या PW के जो है ना, इसके लेकर के पानी आगे बढ़ता ही नहीं है, इसीलिए पानी लग जाता है। मेट्रो के काम से PWD का जो नाला ब्लॉक है क्या? जी हाँ, जी हाँ जी। अच्छा, मेट्रो के काम जब से शुरू हुआ ना, तब से ये पानी लगा हुआ है यहाँ पे। कितने समस्या हो जाती है आने जाने के लिए? बहुत समस्या खराब हो जाता है, तकरीबन तो मान लीजिए इतना जाम हो जाता है, तकरीबन लोग जमा रह जाते, आगे पीछे हो जाते हैं, गाड़ी भर जाता है, पैदल बना को भी नहीं जाने का दिक्कत होता है, बहुत परेशानी हो जाता है। हाँ जी, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? इसको ये पानी का मसला हल करे, पानी का नाला साफ करे, ताकि ये पानी बह जाए, यानी आने जाने वाले को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसमें समस्या ज़्यादा होता है PWD के नाले ब्लॉक होने के कारण हो रहा है। जी जी जी, तो इसके लिए कौन सा एरिया लगता है? ये जहांगीरपुरी भलुसबा गांव, जहांगीरपुरी पूरे लगता है, लेकिन भलुसबा गांव हरिजन कॉलोनी है, ये मुकबरा चौक है ये। मतलब हरिजन कॉलोनी, मुकबरा चौक, करनाल बाईपास, करनाल बाईपास जी, नियर मुकबरा चौक, मुकबरा चौक ये जाने जाते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसका थोड़ा मसला हल करवा दीजिए, ताकि ये पानी का मसला जारी हो जाए।